आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ है। वे जबलपुर पहुंचे हैं, यहां पर पहले वो इंजीनियरिंग कॉलेज का अमृत कार्यक्रम विक्टोरिया अस्पताल में आए हैं, जहां पर कोरोना की जो तीसरी लहर है इसके लिए जो क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे बच्चा वार्ड के विस्तारीकरण को लेकर के यहां पर वो जो जिला कलेक्टर और जो अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे चर्चा की है, ताकि तीसरी लहर से किस तरीके से कोरोना तीसरी लहर से किस तरीके से निपटा जाए, कैसे उससे लड़ा जाए, क्या क्या तैयारी की गई, इसके बारे में जायजा लिया। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद जो है मानस भवन में जो कोविड सेंटर में जो सबसे 100% वैक्सीन लगवा चुके हैं उसका उसको प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। इसके बाद लोग डुमना विमानस्थल से सभी अतिथिजनों को मेरा सादर नमन। मैं आर्या सिंह ठाकुर, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन ब्रांच की द्वितीय वर्ष की छात्र हूँ। मेरा सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में संपूर्ण वृद्धि एवं विकास के लिए औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है, हम इसे अपने प्रदेश में बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? बेटी, ये बात सही है बिल्कुल। रोजगार आज बड़ी समस्या है। खेती में जितनी मध्य प्रदेश में संभावनाएं थी, हमने पूरा दोहन किया उसका, और आज कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने उत्पादन के नए रिकॉर्ड बनाए, यहां तक कि पंजाब को भी हमने पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब जरूरत है तेज गति से औद्योगिकरण की, और इसलिए एक तो हमने जो उद्योग नीति बनाई है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है। उद्योग के निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की हमने कोशिश की है। हमने एक योजना और इस बार बनाई है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। आप 30 दिन में अपने बिजनेस को, अपने उद्योग को प्रारंभ का मतलब ये कि औपचारिकता है जितनी होती है वो सारी हम पूरी कर देंगे। कई इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इसी कार्यकाल में MSME के 13 क्लस्टर हमारे स्वीकृत हुए हैं अलग अलग, और इनकी संख्या और लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि केवल बाहर से उद्योगपति आए, वो तो ठीक है, निवेश के लिए हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमने चाहे वो टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी पॉलिसी हो, IT की हमारी नीति हो, अलग अलग सेक्टर में हमारी नीति हो, उसको बहुत प्रोग्रेसिव हमने बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर आप जैसी हमारी बेटियाँ, हमारे बेटे, वो भी उद्योग लगाने की सोचें, रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन जाए, रह जाते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इस संदर्भ में प्रदेश सरकार किस प्रकार युवाओं के साथ है। रितिका बेटी, सही सवाल आपने पूछा। देखिए, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा नागरिकता के संस्कार देना, अच्छा नागरिक बनाना, और तीसरा है कौशल देना। अगर स्किल्ड मैन पावर हमारे पास हो, देश में भी अगर आप स्थिति देखेंगे, प्रदेश में भी, मैं कहता हूं एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है लेकिन दूसरी तरफ काम के लिए लोग हमको नहीं मिलते, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। इस गैप को हमको भरना पड़ेगा, और इसलिए हमने तय किया है, पहले जो ITI चलती थी वो कोई 2 ट्रेड 3 ट्रेड की टपरे वाली ITI बहुत चलती थी। अब हमने तय किया कि सभी 10 संभागीय केंद्रों पर, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, हम मॉडल ITI की स्थापना कर रहे हैं। काम भी प्रारंभ हो गया, जबलपुर में भी उस पर काम चल रहा होगा तेजी से, ताकि संभागीय केंद्रों पर एक आदर्श ITI हमारे पास हो, आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से,
हम बच्चों को स्किल्ड करें और उनको देश प्रदेश और दुनिया में कहीं भी काम मिल सके, एक ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। बीच में मैं पिछले टर्म में सिंगापुर गया था, शायद यशोधरा जी भी उस समय हमारे साथ थी, उद्योग मंत्री हुआ करती थी, तो हमने वहाँ देखा वहाँ का स्किल पार्क। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हो सकता, तो सिंगापुर के सहयोग से हम एक ग्लोबल स्किल पार्क।